आपके सामने स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी और मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग इन्हें जानते भी होंगे। हमारे देश में अगर क्रिकेटरों की बात करें, क्रिकेट खेलने वालों की बात करें और उसमें हरभजन सिंह का नाम ना लिया जाए, मुझे लगता है कि ये संभव भी नहीं है। और आप में से कई लोग इनके प्रशंसक भी होंगे और अगर आप लोग इन्हें पसंद करते होंगे तो मुझे लगता है कि इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे और इनके जो भी रिकॉर्ड रहे हैं उन्हें भी आप लोग बेहतर जानते होंगे। और आप सभी लोग जानते भी हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश चर्चा में रहता है तो उसके बारे में बात करना हमारे लिए जरूरी भी हो जाता है। अभी आपने देखा है, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया हुआ है और उसके बाद आपने देखा है कि ये काफी चर्चा में भी आ चुके हैं। तो चलिए इनके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट करके सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं हरभजन सिंह को, ये हैं आपके हरभजन सिंह। और हरभजन सिंह के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इनका पूरा नाम हरभजन सिंह फिलाहा है। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को इनका पूरा नाम याद नहीं होगा, कुछ लोगों को हो सकता है कि होगा और उपनाम, या फिर आप लोग इन्हें हरभजन सिंह कह देते, भज्जी भी कह देते, टर्बिनेटर भी कह देते हैं, तो ये उनके उपनाम है। इनका जन्म होता है 3 जुलाई 1980 को ये जन्म लेते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म कहाँ होता है, जलंधर, पंजाब, भारत में। और पंजाब को अगर आपको दिखाना चाहें मैम में तो आप देखेंगे ये है आपका कहाँ, पंजाब दिख रहा है, ये आपका पंजाब, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है, यही इनका जन्म होता है। उसके बाद आप देखेंगे अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो इनके पिता सरदार सरदेव सिंह फिलाहा जो व्यवसायी थे, और इनकी माता की बात करें तो अवतार कौर गृहिणी, यानी कि आप कह देते हैं ना कि हाउस वाइफ है, समझ रहे हैं, किसी के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये घर, मतलब घर का काम देख करती रहती थी। अगर हम लोग इनकी पत्नी की बात करें तो गीता बसरा इनकी पत्नी का नाम, जो अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, ठीक है। और इनकी अगर फोटो देखना चाहें आप लोग तो यहां आप लोग देख भी सकते हैं क्या है, ये हैं, कौन है, ये हैं गीता बसरा, ठीक है, जो आपकी अभिनेत्री थी, देख रहे हो स्क्रीन पर। और इनके अगर हम लोग स्कूल की बात करें तो स्कूल की बात करें तो इन्होंने जय हिंद मॉडल स्कूल, सरकारी मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली हुई थी। और शौक की बात करें, आपके भी शौक होते हैं, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, कोई गेम खेलना, तो इनके भी शौक थे, क्रिकेट खेलना और संगीत सुनना इनके शौक। और पसंदीदा क्रिकेटर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर इनके फेवरेट क्रिकेटर हैं। और व्यवसाय की बात करें तो भारतीय क्रिकेटर, यानी कि क्रिकेट खेलते थे, आप सभी जानते हैं। और कोच की बात करें अगर हम लोग गुरु की, तो चरणजीत सिंह भुल्लर और दविंदर दविंदर अरोड़ा इनके गुरु आप लोग कह सकते हैं, क्रिकेट के गुरु रहे हैं। अब अगर हम लोग इनकी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की बात करें या इनकी जो भी कैरियर रहा है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको बता दूं कि एक दिवसीय वनडे इन्होंने शुरू किया था खेलना 17 अप्रैल 1998 को, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ शारजाह में हुआ था। पहली बार इन्होंने एक दिवसीय वनडे यहीं खेला था अंतर्राष्ट्रीय। और अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो 25 मार्च 1998 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलोर में इन्होंने पहला अपना टेस्ट मैच खेला था। वहीं अगर हम लोग T20 की बात करें तो 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में इन्होंने पहला अपना T20 वर्ल्ड कप खेला हुआ था, ठीक है। और याद रखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको बता दूं कि आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप इनके बारे में, इनके प्रशंसक हैं, इन्हें पसंद करते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद भी होना चाहिए। और करियर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि 2001 में अनिल कोमले की को चोट के बाद सौरभ गांगुली ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम में हरभजन सिंह को शामिल किया और यहीं से वे आगे बढ़ना शुरू होते हैं।
आईपीएल अगर डेब्यू की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में अप्रैल, बेंगलोर के खिलाफ इन्होंने अप्रैल 2008 में पहली बार आईपीएल खेला हुआ था। आईपीएल आप देखते हैं ना कि हमारे देश में होते रहते हैं। और टेस्ट में आपको बताऊं कि 400 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह हैं, ठीक है। टेस्ट में 400 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर हैं आपके हरभजन सिंह। अब आप लोग कहेंगे कि पहले कौन थे, तो पहले थे अनिल कुंबले, जिन्होंने एक कारनामा किया हुआ था। और भज्जी ने अपने 103 टेस्ट मैच के कैरियर में 417 विकेट लिए थे। वहीं 336 वनडे में उनके नाम 269 विकेट रहे हैं और उनकी इकोनॉमी भी 4.31 ही रही है। और वहीं आपको बताऊं कि 28 T20 मैच में भज्जी ने 25 विकेट लिए और आईपीएल में हरभजन सिंह ने 165 मैच खेलकर 150 विकेट अपने नाम किए हुए हैं। तो औसत आप लोग लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये इनका रिकॉर्ड रहा है। और हरभजन सिंह के अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो आप देखें कुल टेस्ट 103 खेले हुए हैं इन्होंने, और विकेट की बात करें तो इसमें 417 विकेट लिए हुए हैं। और कुल वनडे की बात करें तो 236 खेले हुए हैं, इसमें इन्होंने 269 विकेट लिए हुए हैं। कुल T20 की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए 28 खेले, जिसमें इन्होंने विकेट 25 विकेट चटकाए या लिए हुए हैं। और भज्जी के अगर हम लोग सबसे बड़े पांच धमाकेदार प्रदर्शन के बारे में बात करें तो टेस्ट हैट्रिक, टेस्ट हैट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले का अनोखा कारनामा करने वाले हरभजन सिंह ने पहले भारतीय गेंदबाज हैं। मार्च 2001 में भज्जी ने भारतीय क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले ईडन गार्डन्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक ली थी। और उन्होंने इस दौरान रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉन को अपना शिकार बनाया था। और आप सभी जानते हैं कि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छी हस्तियां हैं। और भज्जी के बाद आप देखें साल 2006 में इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में हैट्रिक ली थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वहीं सितंबर 2019 में जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हैट्रिक बनाई हुई थी, तो ये भी आप लोग एक रिकॉर्ड याद रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ सिक्स, साल 2010 की बात है कि भारत पाकिस्तान के बीच दम्बुला में खेले गए एशिया कप मुकाबले को कौन भूल सकता है। पाकिस्तान ने उस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 267 रन बनाए थे और जवाब में आपने देखा होगा कि हरभजन सिंह ने 50वें ओवर में मोहम्मद आमिर की 5वीं गेंद पर 66 जड़कर भारत को जीत दिला दी थी। और हरभजन सिंह के लिए यह काफी विशेष पल था क्योंकि 49वें ओवर में भज्जी और शोएब अख्तर के बीच जमकर कहासुनी भी हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि मैच का मजा तभी आता है जब फंसा हो, जब थोड़ा सा अंतर हो जीतने के लिए हारने के लिए, टर्निंग पॉइंट हो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर इसमें चौका छक्का नहीं गला तो हार जाएंगे। तो ये भी इनके कैरियर पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ा उछाल रहा है, इनके नाम रिकॉर्ड रहा है। एक आप लोग एक और रिकॉर्ड आपने सुना होगा, लगातार 2 टेस्ट शतक। हरभजन सिंह भारत की ओर से पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक टेस्ट शतक लगाए। साल 2010 में हरभजन सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में यह कारनामा किया था। और हरभजन सिंह ने अहमदाबाद टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 193 गेंदों पर 115 रनों की पारी खेली थी, और जो उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था। फिर आपने देखा होगा कि हैदराबाद टेस्ट में भारत की पहली पारी में भी हरभजन सिंह ने नाबाद 111 रन बना डाले थे। और हरभजन सिंह इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं बना सके। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर बॉलर हैं और इस तरह के शतक अगर आप लोग लगा देते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी इनके नाम एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है ये भी है। 3 मैचों की सीरीज में 32 विकेट हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2002-1 में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 32 विकेट चटकाए थे और यह 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में सबसे अधिक विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए। और वर्ल्ड क्रिकेट में कोई दूसरा स्पिनर 3 टेस्ट की सीरीज में 32 से अधिक विकेट नहीं ले सका है। और हरभजन सिंह के बाद श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन का नाम आता है जिन्होंने 3 टेस्ट की सीरीज में 30 विकेट अपने नाम किए हुए थे, तो इस कारण भी इनका रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है।
इस रिकॉर्ड को अभी तक दूसरा नहीं तोड़ पाया है। एक और इनके नाम रिकॉर्ड है, इंग्लैंड के खिलाफ 2 बार 5 विकेट। हरभजन सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए 2 मौकों पर 5 विकेट चटकाए थे और सबसे पहले उन्होंने साल 2002 में वानखेड़े स्टेडियम में 43 रन देकर 5 अंग्रेज बल्लेबाजों को शिकार बनाया था, यानी कि 5 विकेट लिए हुए थे। इसके बाद साल 2006 ही की वनडे सीरीज की दौरान भज्जी ने दिल्ली में 31 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे, यानी कि 5 विकेट लिए हुए थे। तो ये भी इनके नाम रिकॉर्ड है। अब आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोग इस तरह के कोई फेमस व्यक्ति हैं या कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं तो आपके प्रशंसक भी होते हैं, आपके आलोचक भी होते हैं और आपसे कई विवाद भी जुड़ जाते हैं। तो इनसे कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, इन्हें भी देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एंडियो साइमंड्स ने हरभजन सिंह पर तथाकथित आरोप लगाया कि मैच के दौरान उन्होंने सैम मंडस को मंकी कहकर अभद्र टिप्पणी की थी और जिससे उनकी ऑस्ट्रेलियाई दौरे की निरंतरता पर सवाल भी उठे हैं। और हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स विवाद काफी चर्चा में भी रहा था। फिर आप देखेंगे 2008 में उन्होंने आईपीएल में क्रिकेटर एस श्रीपंत को थप्पड़ मारने के बाद हार्ड लक कहा था, जिससे उनकी कड़ी आलोचनाओं का उन्हें सामना भी करना पड़ा था। एक और विवाद आपने देखा होगा कि रॉयल स्टैग विस्की के विज्ञापन करने के बाद सिख समुदाय के द्वारा अमृतसर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। तो इनके नाम कुछ विवाद भी जुड़े हुए और इन्हें 2 पुरस्कार भी दिए गए हैं। 2003 में तो आप देखेंगे अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2009 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और जब भी आप लोग कोई काम करते हैं तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको पुरस्कार मिलना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और यही हरभजन सिंह की कहानी है और विस्तार से तो किसी की कहानी को हम लोग कवर कभी नहीं कर सकते हैं। पूरी जिंदगी को हम लोग अगर उठा के देखें तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यही होता है कि उनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एक तरह से आप सोचिए निचोड़ निकाल कर हम लोग जान लें, यही स्मार्टगिरी होती है। चलिए खैर बताइए, अगर कोई और बचता है या और किसी के बारे में दिलचस्पी है जानने की तो उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे।